So today we're making cappuccino at home. So for that, all you need is a French press and a glass and some milk. All right, so let's begin. So we got our milk ready from the microwave, 1 minute, 20 seconds only. So now we're going to put this into the jar. Very fast, all right. So what we're going to do is we're going to break the glass or mug into two pieces, all right? The milk, obviously. So what we're going to, and we're going to be using this French press ka plunger. So we got our hot milk ready, French press ka just plunger lena hai hame. Okay, that's ready, and we got coffee shot ko, espresso shot ko hum mimic karne ke liye. What we're going to do is add one instant mix ka powder ka packet isme chota sa into 30 ml of water. Preferably थोड़ा सा ज़्यादा ले, that's better. And let's give it a quick stir. Alright, so by the time ये सब हम कर रहे हैं तब तक मिल्क का काम एस्प्रेसो का काम हो जाएगा डेफिनेटली. Okay, it's already taking shape. Check this out. Hang on, let me take the camera today. Okay. So, कैमरा गिनना मत. Alright, so ये तो रेडी है. अभी what we going to do is जो मिल्क लिया है उसको हम दो पार्ट में बनाने वाले हैं. So meanwhile, what we do is pour the hot milk into the glass which जिसका रेडियस इसको वो मैच करता है प्लंजर को. So I don't want to protrude French press का glass. तो आधा हमने इसमें ऐड कर लिया है. नाउ ये बाजू में रखते हैं. ओके, सो ये जो प्लंजर का है इसको हम थोड़ा सा अंदर डाल के ऊपर नीचे थोड़ा अप एंड डाउन टू क्रिएट अ सिमिलर थिंग लाइक पूरा अच्छा माइक्रोफोम जो हमें हमारे कैपेचुलो पर बहुत पसंद है. Okay, so as you can see, it is almost there. थोड़ा सा maybe हम उसको थोड़ा सा और करेंगे. Again we have to repeat the same thing. और बच्चा कुछ हम मिल्क उसको डाल दें. Don't go too aggressive, otherwise ऐसा कम हटा. Don't do that. तो वही चीज़ है क्योंकि हमें प्लंजर का भी लाइफ थोड़ा अच्छा रखना है, कम नहीं करना है एकदम हार्श करके, है ना. बिकॉज वी ऑल्सो यूज दैट प्लंजर फॉर हमारा अच्छा खासा कॉफी. इसको हमने वापस ऐड कर दिया उसमें. ओके, सो नाउ व्हाट वी गोइंग टू डू इज मिक्स द एस्प्रेसो शॉट. ऑलराइट, अभी हम कॉफ़ी शॉट को मिला देते हैं. That's done. और जो अच्छा खासा हमें फोम बना है उसका हम हॉले वाले इसमें ऐड करेंगे. और थोड़ा बचा कुचा जो मिल्क है वो भी हम एक साथ ऐड कर देंगे इसमें. अभी जस्ट थोड़ा सा इस पर कॉफ़ी स्प्रिंकल करेंगे, इंस्टेंट कॉफ़ी जस्ट फॉर द कलर. सो आवर कॉफ़ी इज रेडी एंड इट वॉज सिंपल. लाइक 2-3 मिनट लगे मुश्किल से ये बनाने के लिए. And believe me, I made this in 2% fat milk, मतलब cow milk. अच्छा खासा ठंडा मिल्क लीजिए, उसको
एक मिनट 20 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव में डाल दीजिए, वार्म कीजिए अच्छा सा हॉट करके, फिर इट्स दैट इजी। एंड दिस इज़ अ कैपुचिनो।